मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। आम आदमी पार्टी ने विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को हो रही असुविधाओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आज आम आदमी पार्टी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री का ज्ञापन एसडीएम नीरज शर्मा विजयपुर को दिया। आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञापन में बताया गया है कि विजयपुर तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विजयपुर अस्पताल में न ही सीबीसी टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंटर की सुविधा न होने के कारण मरीजों को प्राइवेट जांच करानी पड़ रही है, जो कम से कम 400 रुपए में होती है। विजयपुर क्षेत्र के लगभग 25 से 30 गांव के मरीजों का इलाज कराने के लिए विजयपुर आते हैं, लेकिन विजयपुर अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधाएं ना होने के कारण प्राइवेट क्लिनिक पर जाना पड़ता है। विजयपुर क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के आदिवासी ज़्यादातर वह आम लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। उनको अगर सीबीसी टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट जांच केंद्रों को 400 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जो उनकी लगभग 2 दिन की मजदूरी है। इसलिए उनको आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। एवं वर्तमान विजयपुर अस्पताल में ओपीडी में प्रतिदिन 400 से 500 तक मरीज दिखाने के लिए आते हैं, जो खून की जांच करने वाला स्टाफ कम होने के कारण मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अतः सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी माननीय से विनम्र निवेदन करती है कि विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आपको ज्ञापन दिया है, वो किस समस्या को लेकर दिया है? आज आम आदमी पार्टी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश और प्रभारी मंत्री के लिए ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है, जिसमें विजयपुर अस्पताल में जो असुविधाएँ लोगों को, मरीजों को हो रही हैं, उसके लिए आज आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसमें मांग की गई है कि विजयपुर असुविधा में ना तो सीबीसी टेस्ट की सुविधा है, वहाँ खून की जाँच सही ढंग से नहीं हो रही है, और ना ही ओटीपी में जो बैठने वाला स्टाफ है वो भी कम है, जिससे लोगों को आए दिन परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को प्राइवेट क्लिनिकों पर जाकर इलाज करना पड़ता है और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो विजयपुर एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जहाँ पर लोग मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो मेरी माननीय से यही निवेदन है आम आदमी पार्टी की, जल्द से जल्द विजयपुर अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे लोगों को और आम जनता को राहत मिले।